ही के उन निशानों की जो अभी बाकी हैं, क्योंकि तीन दिन की बारिश ने उत्तराखंड की सूरत बिगाड़ कर रखी। बुधवार रात 9 बजे तक 46 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 11 लोग अभी भी लापता हैं। मतलब तबाही के निशान बाकी। उत्तराखंड में सबसे बड़ी तबाही, तस्वीरें दे रही हैं गवाही। बारिश ने तोड़ा 107 सालों का रिकॉर्ड। छियालीस लोगों की मौत, कुदरत ने भरा खौफ। उत्तराखंड में तीन दिन की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि शहर के शहर खौफ से भर गए हैं, क्योंकि ये हाल तब है जब मौसम विभाग ने पहले ही तबाही का अंदेशा जता दिया था। सोचिए अगर ये अलर्ट ना होता, अनर्थ होता, क्योंकि इस अलर्ट के बाद भी ऐसी तबाही हुई कि अब सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। लखीमपुर पर सुप्रीम फटकार की। लखीमपुर हिंसा को 17 दिन बीत चुके हैं, 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जांच जहां थी वहीं अटकी है। और अब इस केस का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सुनवाई। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना को लेकर एक तरफ लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। अब तक 10 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। बुधवार को लखीमपुर कांड को लेकर हुई सुनवाई में जमकर फटकार लगाई गई। इस दौरान कई तल्ख टिप्पणियों का सामना भी हरीश सालवे को करना पड़ा। इस स्टेटस रिपोर्ट पर लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान लखीमपुर कांड की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है। इसको लेकर एक बार फिर से फटकार का सामना करना पड़ा। मैंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी, ये वहां सीलबंद लिफाफे में है। हमने स्टेटस रिपोर्ट की फाइलिंग के लिए कल रात 1 बजे तक का इंतजार किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। कृपया इसे गुरुवार या शुक्रवार को लें। नहीं नहीं मिस्टर सालवे, कोई गुरुवार या शुक्रवार नहीं। काफी देर तक चली सुनवाई में गिरफ्तारी को लेकर भी कोर्ट ने सवाल किए। कितने फरार, कितने गिरफ्तार। लखीमपुर कांड में गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अन्य गवाहों की गवाही दर्ज क्यों नहीं की गई? मिलॉर्ड, कहा जा रहा था कि राज्य आरोपियों के साथ नरमी बरत रहा है। अब सभी गिरफ्तार हैं और वो जेल में हैं। आज तक 10 आरोपी जेल के अंदर हैं। इसमें दो तरह के अपराध शामिल हैं, एक किसानों पर गाड़ी चढ़ाना और दूसरा गाड़ी चलाने वालों की पीट पीट कर हत्या। ये है काउंटर FIR। मिलॉर्ड, हाँ, पहली FIR में कितने गिरफ्तार हुए? 10 जेल में। रिपोर्ट कहती है कि 44 गवाह और 4 के बयान दर्ज किए गए। 10 के अलावा कितने न्यायिक हिरासत में है और कितने पुलिस हिरासत में है? मिलॉर्ड, इस वक्त 4 पुलिस हिरासत में है। बस इसी बात को लेकर एक बार फिर से फटकार का सामना करना पड़ा। 4 पुलिस हिरासत में, बाकी 6 का क्या? आपने हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में क्या स्थिति है? मिलॉर्ड, हमने 3 दिन की रिमांड मांगी थी और वो खत्म हो गई, तो बस। मिलॉर्ड, सभी वीडियो और फोन बरामद कर लिए गए, हो सकता है यहाँ पूछताछ के लिए उनकी जरूरत ना पड़े। आपकी SIT पहचान सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन है और उन्हें धमकाया जा सकता है? केवल 4 गवाहों के बयान क्यों दर्ज किए गए? मिलॉर्ड, मुझे बताया गया कि बयान दर्ज किए जा रहे थे और फिर अदालतें बंद हो गई। दशहरा की छुट्टियों के लिए आपराधिक अदालतें बंद। मिलॉर्ड, क्राइम सीन को फिर से बनाया जा रहा था। हमें लगता है कि आप अपने पैर खींच रहे हैं, कृपया इस धारणा को दूर करें। मिलॉर्ड, कृपया इसे अगले सप्ताह लें। गवाहों की सुरक्षा, मिलॉर्ड, हम देंगे। इस दौरान कई सवालों पर हरीश सालवे को फटकार का सामना करना पड़ा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर कांड पर अगली सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर तय की है।
लेकिन उससे पहले सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने को कहा है और साथ ही अगली सुनवाई से एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने